मेरा नाम है मोहम्मद यशवंत यार, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको टीवी देखना चाहिए या यूट्यूब, आपको यूट्यूब देखने में फायदा है या टीवी में। दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर आप यूट्यूब सर्व करते हो तो, अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो, अगर आप टीवी ही देखते, अगर आप टीवी देखते होते तो आज आप ये मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, कहीं पर भी स्किप मत करना, पूरा देखना, कहीं मत जाना। इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्या चीजें यूट्यूब पर सही हैं और क्या चीजें टीवी पर गलत हैं। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक लाइन में वीडियो के शुरू में ही, जी हाँ दोस्तों वीडियो के शुरू में ही, बिल्कुल मत जाना कहीं, बिल्कुल कहीं मत जाना, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीजें ए टू जेड एक लाइन में बताऊं दोस्तों। तो यूट्यूब आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, YouTube आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो और टीवी आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। तो दोस्तों यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, इस वीडियो का एजेंडा क्लियर हो जाता है कि YouTube क्या है और टीवी क्या है। सबसे पहले बात करूं मैं दोस्तों तो एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट दोस्तों पहले होता था ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉड लेवल पे होता था और अब होता है यूनिकास्टिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है हमने एक एड लगाया और सबको दिखाया, सबको। जैसे पहले क्या होता था दोस्तों, आप रोड पर जा रहे हो, कहीं पर बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, लक्स कोजी का लगा हुआ है या किसी भी चीज का लगा हुआ है, टीवीएस सेंट्रा सिटी स्टार बाइक का लगा हुआ है, क्या सब देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है, जवान भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। जिसको उसकी जरूरत है वो तो देख ही रहा है और जिसको उसकी जरूरत नहीं है वो भी देख रहा है। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, उस बैनर का जो रेंट जा रहा है, जो एडवर्टाइजर उसका रेंट पे कर रहा है, तो वो फालतू का पे कर रहा है जिसको नहीं भी दिखाना उसको, मीन्स क्या हुआ, जिसको उसकी जरूरत नहीं भी वो भी चीज को देख रहा है, तो ऐसे में तो एडवर्टाइजमेंट वेस्ट हुआ ना दोस्तों। तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट लेवल पे हमको एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है ये, जो पहले चला करता था अभी भी चल रहा है, अभी भी कोई ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। बट अब जो है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट मूव कर रहा है यूनिकास्टिंग के तरफ। यूनिकास्टिंग क्या होता है दोस्तों, यूनिकास्टिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट में हम सिर्फ उसी को वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जिसको उसकी जरूरत होती है। यूट्यूब पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू वो ये सारी चीजें जज कर लेते हैं कि कौन से यूजर को क्या चीजें पसंद है, वो कैसा कंटेंट देखना चाह रहा है, वो जैसा कंटेंट देख रहा होगा, जैसी वीडियोस देख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो पे वैसी ही एड चलाई जाएगी। मान लीजिए दोस्तों अभी कोई बंदा है जिसको कार पे इंटरेस्ट है, कोई बंदा है जिसको बाइक पे इंटरेस्ट है, कोई बंदा है जिसको ज्वेलरी पे इंटरेस्ट है, तो वो ज्वेलरी की वीडियोस देख रहा होगा या कि वो कार की वीडियोस देख रहा होगा या कि वो बाइक की वीडियो देख रहा होगा। तो YouTube का क्या करता है दोस्तों कि कार की वीडियोस पे कार के रिलेटेड एड्स दिखाए जाते हैं, बाइक की वीडियोस पे बाइक के रिलेटेड एड्स दिखाए जाते हैं और ज्वेलरी या क्लॉथ्स के वीडियोस पे ज्वेलरी और क्लॉथ्स के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, उस यूजर को वही एडवर्टाइजमेंट मिलता है जो वो दिखाना चाह रहा है या देखना चाह रहा है, और एक एडवर्टाइजर को भी उसकी ऑडियंस मिलती है उसी के सेक्शन की, यानी कि अगर वो क्लॉथ देखना चाह रही है तो वो क्लॉथ दिखा देते हैं। तो दोस्तों यही फर्क है यूनिकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग में। दोस्तों सिर्फ आपको ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि टीवी आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है और यूट्यूब पर आप वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।